हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जीतेन मोहन वट्टा जौनपुर। आज हम लोग बुखार, खांसी, उल्टी, पिट्टी के बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन नल बुक होम्यो बुक पे सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उल्टी बुखार में एक्वानाइट 30, इपिकॉक 30, आर्सेनिक अल्बा 200 बारी बारी से हर आधे घंटे 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देते रहे। उससे धीरे धीरे उल्टी की रफ्तार धीमी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। एक दिन 24 घंटा दूध, चाय, गुड़ खा के, बतासा खा के बॉयल्ड गुनगुना पानी पीते रहे। मैं यात्रा के दौरान उल्टी, चक्कर, कमजोरी, उलझन में इपिका 30, काकुलस इंडिका 30, थ्रीटियान 30, फोनियम मैकुलेटम 200 बारी बारी से देने से नक्स वोमिका 200 उल्टी बिल्कुल ठीक होने लगती है। और एक दिन 24 घंटा दूध, चाय, गुड़ खा के, बतासा खा के बॉयल्ड गुनगुना पानी पीते रहे। इपिकॉक 30 औषधि फेफड़ों तथा जठर तंत्रिका पर विशेष रूप से क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप छाती तथा आमाशय में उत्तेजना पैदा होती है। बर्फिया खाने की आदत इपिकॉक 30 या 200 औषध का प्रयोग अनेक प्रकार के लक्षणों जैसे जी मचलाना, हजम न होने वाली वस्तुओं के सेवन करने के बाद उत्पन्न होने वाले रोगों की विभिन्न अवस्थाओं आदि में किया जाता है। जिन बच्चों का शरीर ढीला ढाला हो, त्वचा आवश्यकता से अधिक लटक रही हो, ऐसे में इपिकॉक 30 या 200 दवा देने से बहुत लाभ होता है। ऐसे रोगी जो कमज़ोर हो और सामान्य वातावरण में भी उसे सर्दी जुकाम होता है, खांसी आने से सांस फूलने लगता है, उल्टी होने लगती है, एक्वानाइट 30 या 10 मिनट आधे घंटे के बाद इपिकॉक 30, फिर आधे घंटे के बाद आर्सेनिक अल्बा 200, फिर 10-15 मिनट आधे घंटे पे रस्टॉक्स 200, इपिकॉक 30 के साथ ब्रैनिया 200 बारी बारी से देने से खांसी, सांस फूलना, प्यास लगना, उल्टी होना सब में बहुत जल्दी फायदा होने लगता है। हंसने से सीने में दर्द हो तो ब्रैनिया 200, फिर 10-15 मिनट बाद फॉस्फोरस 30, फिर 10-15 मिनट बाद आर्सेनिक अल्बा 200 बारी बारी से देने से बहुत जल्दी लाभ होने लगता है। ऐसे लक्षण में रोगों रोगी को यह औषध देने से रोग ठीक होता है। रोगी में उत्पन्न होने वाले ऐसे रोग जिसमें रोगी को अधिक उत्तेजना पैदा होती है, रक्तस्राव के साथ चमकता हुआ लाल खून अपना आना आदि लक्षणों में
रोगी को IPCA 30 या 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मन से संबंधित में व्यक्ति में मानसिक बीमारी के कारण अधिक चिड़चिड़ापन आ जाता है तथा वे किसी दूसरे की बात को नहीं मानते। व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति स्वयं के विचारों में घूमता रहता है। ऐसे लक्षणों में लोग ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए IPCA 30 या 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके प्रयोग से मानसिक लक्षण भी दूर होने लगता है। पेट में दर्द के साथ उल्टी होने पे SINA 200 और SENTINEL 200 देने से बहुत जल्दी केचुआ भी बाहर निकल आता है। पेट दर्द भी ठीक होने लगता है। पेट दर्द में ACONITE 30, COFFEA 200, COLOSSIN 200 कैमोमिला इरिटेबल चाइल्ड के लिए, जो बार बार टहलाने से पेट दर्द में गर्मी के वजह से कंधे पे टहलाने से कंधे पे लेने से बहुत जल्दी पेट दर्द में आराम मिलता है। कैमोमिला 30 या 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। यदि किसी व्यक्ति के सिर में तेज दर्द हो, ऐसा महसूस हो मानो किसी ने उसकी खोपड़ी कुचल दी हो, सिर दर्द धीरे धीरे फैल कर दांतों के और जीभ की जड़ तक पहुंच जाता है, तो IPCA 30, IRIS-WORTH 30, COCCULUS-INDICA 30, NUXVOMICA 200, JELSIMIUM 30, CHINA 30 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आँखों से संबंधित लक्षण जैसे आँखों का लाल होना तथा आँखों का जलन होना, नेत्र गोलक के आर पार दर्द होना, अधिक मात्रा में आंसू आना, कनीनिका धुंधली हो जाना, अधिक नज़दीक से किसी चीज़ को देखने से आंखें थक जाना, आँखों का स्थिर न होना, वर्थ पेशी सेलेरिट मस्कल की उत्तेजना के साथ कमजोरी आने के फलस्वरूप होने वाली समंजन उद्देश्य प्लस ऑफ एकोमोडेशन हिलती हुई चीज देखने से चक्कर आना, इस तरह के आँखों से संबंधित रोग में IPCA 30 दवा देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। चेहरे से संबंधित, यदि आँखों के चारों ओर नीले रंग के छल्ले बन गए हों, कुछ समय के लिए आँखों के अंदर तंत्रिका में दर्द रहता है और साथ ही अधिक आंसू निकलते हैं। अधिक रोशनी धूप से निकलने पर आँखें चौंधी आ जाने में GLENAIN 30 या 200, IPCA 30, CONIUM MACULATUM 200, ACONITE 200, JELSIMIUM 30 बार बार देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अधिक रोशनी या धूप में निकलने से आंखें चौंधी आ जाती हैं और सिर में दर्द होने लगता है, तो GLENAIN 30 या 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। नाक से संबंधित जुकाम होने के साथ साथ नाक बंद हो जाना, जी मचलाना, नाक से खून आना आदि लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए IPCA 30 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आमाशय से संबंधित विभिन्न लक्षण जैसे जीभ का साफ रहना, मुख पीला रहना तथा मुंह से अधिक लार आना, हमेशा जी मचलाना,
मुचललते रहने के साथ कभी कभी उल्टी होना, व्यक्ति का चेहरा पीला तथा चेहरे में कंपन होना, व्यक्ति में उल्टी होने के साथ साथ उल्टी में भोजन, पित्त, रक्त, श्लेष्मा आदि आना, आमाशय ढीला महसूस होना तथा अधिक हिचकी आना आदि लक्षणों में इपिका थर्टी चिलिडोनियम क्यू कार्डुअस मेराइनस क्यू देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। पेट से संबंधित अमीबा पेचिस के साथ बार बार आँव पड़ना, लाल पेचिस में भी उल्टी के साथ इपिका थर्टी देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है तथा व्यक्ति को प्यास अधिक लग जाती, पेट में कटता हुआ दर्द होना, साथ में महसूस होना यानी व्यक्ति सिकुड़न छोटा सा हो गया, नाभि के चारों तरफ अधिक दर्द होना, शरीर कठोर और फैलने पर अकड़ जाना, ऐसे लक्षणों में इपिका थर्टी देने से लाभ होता। मल संबंधी दस्त के साथ मल जैसा पदार्थ, राल जैसा पदार्थ आना, दस्त का रंग हरा झागदार होना, नाभि के चारों ओर ऐठन सा दर्द होना में इपिका थर्टी, दस्त के साथ खून तथा चिपचिपा पदार्थ आदि में इपिका थर्टी या 200, कैमोमिला 30 या 200, गोएकम 30 या 200, पोडोफाइलम 30 या 200 देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। स्त्री रोग से संबंधित गर्भाशय की झिल्ली में चमकदार खून का तेजी के साथ अधिक मात्रा में निकलना, स्त्रियों को मितली जैसी लक्षण उत्पन्न होना, गर्भकाल में होने वाली उल्टी, नाभि से गर्भाशय तक दर्द होना, मासिक धर्म इस नियत समय से बहुत पहले अधिक मात्रा में आने में इपिका थर्टी लाभ बहुत जल्दी करती। सांस रोग, सांस संस्थान संबंधित लक्षण जैसे लाल, सांस लेने में परेशानी के साथ छाती में सिकुड़न महसूस होना, दमा रोग, सांस का फूल जाना, छींके अधिक आना, जुकाम होना तथा गले में साय साय की आवाज़ के साथ खांसी, उल्टी, मितली में इपिका 30 देने से ब्रैनिया 200, एकोनाइट 30 या 200 बार बार देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बुखार में भी इपिका 30 उल्टी के साथ मितली के साथ देने से बहुत लाभ होता है। बुखार में रोगी को हल्की ठंड लगना, साथ अधिक प्यास लगना, उल्टी और सांस लेने में परेशानी आदि लक्षण बुखारों को ठीक करने में इपिका 30 बहुत ज़्यादा लाभ करती। नींद में रोगी के सोने पर उसकी आंखें अधखुली रह जाती हैं, नींद आते ही पूरे शरीर में झटके महसूस होने लगते हैं, ऐसे में इपिका 30 देने से लाभ होता है। त्वचा संबंधी रंग पीला होने के साथ त्वचा का ढीला पड़ना, आँखों के चारों ओर घेरा बनना, त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आना आदि त्वचा रोग से अधिक संबंधित लक्षणों को ठीक करने के लिए इपिका 30 बहुत लाभ करती। शरीर में वृद्धि, रोग हरकत करने से सर्दी के मौसम में, सूखे मौसम में गर्म हवा से, दक्षिणी हवाओं से हल्का हिलने डुलने से, झुकने तथा अधिक भोजन करने व गरिष्ठ भोजन करने से रोग बढ़ता है। तुलना में इपिका
औषधि की तुलना ब्लड ओरिएंटली से करने से लाभ होता है। आर्सेनिक अल्बा चाइना टोबैकम 30 औषधि देने से लाभ होता है। क्यूप्रम मेटेलिकम 200 और निका मोंटेना 200 इपिका के साथ देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।